हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अभय वर्मा। जी हाँ, आज हम मेदांता में मौजूद हैं। मेदांता में सीलिएक डिजीज बीमारी के अवसर पे जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। अगर मैं बताऊँ सीलिएक डिजीज के बारे में, तो ये कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में ये बीमारी है जो आंतों को इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ ही अगर ये इस पर बात की जाए, तो भारत में ये अनुवांशिक मानी जाती है। हर 100 में से एक व्यक्ति में ये ज़रूर पाई जाती है। जागरूकता ना होने के कारण कहीं ना कहीं लोग इसका परीक्षण करने में, इसकी जानकारी हासिल करने में विफल रह जाते हैं। सर, सीलिएक के बारे में सबसे पहले बताइए, सीलिएक डिजीज है क्या ये? सीलिएक डिजीज एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून का मतलब है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही किसी चीज़ के अगेंस्ट हमारे ही अंगों को नष्ट करने लगता है। तो इसमें जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन चीज़ होती है जिससे कारण हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसको हम ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन एक प्रकार का केमिकल है जो गेहूँ और जौ और राई जैसी चीज़ों में मिलता है। तो इसके कारण हमारे ये जो इम्यून सिस्टम है, हमारी आंतों को डैमेज करना शुरू कर देता है, और उसके कारण प्रॉपर खाना जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। डाइजेशन होता भी है तो वो ब्लड तक पहुंच नहीं पाता है। प्रॉपर डाइजेशन ना होने के कारण अमूमन इसके पतले दस्त होते हैं, और बच्चों में खाना एब्जॉर्ब ना होने के कारण उनके आप वेट नहीं बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ता है, और इसके कारण तमाम प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये सीलिएक डिजीज उत्पन्न हो रहा है, परीक्षण कैसे किया जाए, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पता कैसे लगाया जाए? तो पहले तो हम सस्पेक्ट कब करते हैं? हम सस्पेक्ट तब करते हैं जब कोई बच्चा आता है हमारे पास जिसमें पतले दस्त हो रहे हों, लंबे समय से हो रहे हों, और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ का मतलब हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा है उसका, देखने में दुबला पतला लग रहा है। ऐसे में हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको क्या, इसको सीलिएक डिजीज हो सकता है। तो जो आम टेस्ट हम लोग सीलिएक डिजीज़ के लिए करते हैं, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है NTTTG। TTG का मतलब होता है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एक प्रकार का एंजाइम होता है ब्लड में, इसकी मात्रा नापी जा सकती है। और कंफर्म करने के लिए अगर TTG पॉजिटिव आता है तो एंडोस्कोपी करके छोटी आँत से एक टुकड़ा ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन करके इन दो टेस्ट से हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि सीलिएक डिजीज़ है या नहीं है। सीलिएक डिजीज़ का अगर बात करें, किस कमी के कारण शरीर में ये रोग उत्पन्न होता है? इसमें देखिए, जैसा बताया, ये एक प्रकार का आप समझ सकते हैं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। तो शरीर में कोई कमी नहीं है जिसके कारण ये होता है, ये हमारे जेनेटिक मेकअप में कोई कमी है जिसके कारण ये होता है। हाई सीलिएक नंबर क्या होता है, क्या कहा जाता है? अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है, हाई सीलिएक नंबर क्या कहलाता है? हाई सीलिएक नंबर तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। एक्चुअली गूगल पे ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे गूगल बाबा के जरिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आए हैं, क्या सीटी स्कैन के जरिए इसका पता लगा सकते हैं? नहीं, इसमें सीटी स्कैन का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सीटी स्कैन डायग्नोसिस में बिल्कुल भी कारगर नहीं होता है। अच्छा, पॉजिटिव सीलिएक ब्लड क्या होता है, क्या इसका मतलब दूसरा होता है या फिर सेम रहता है? जैसा कि मैंने कहा, इसमें एक ब्लड टेस्ट होता है NTTTG। यदि NTTTG पॉजिटिव आता है तो उसको कई लोग पॉजिटिव सीलिएक टेस्ट के नाम से कह देते हैं। उपचार कैसे किया जाता है? इसमें कोई दवा कारगर नहीं है, इसमें हमें जो एलर्जी है जिस चीज़ से, उस चीज़ से बचना है। एलर्जी यहाँ ग्लूटेन से है। ग्लूटेन पाया जाता है कुछ अनाज में, गेहूँ, जौ, राई, इनसे हमें बचना है। तो इसके लिए नॉर्मली हम लोग एक डाइट चार्ट देते हैं, डाइटिशियन के कांटेक्ट में रखते हैं, ये चीज़ें बच्चा खा सकता है और ये चीज़ें बच्चा नहीं खा सकता है। यदि हम इस चीज़ का पालन करें तो बिना किसी दवा के बच्चा ठीक हो जाता है। ये अनुवांशिक कहलाता है कि भारत में हर 100 में से एक व्यक्ति में पाया जाता है, कितनी सत्यता है इस बात में? जो हमारे यहाँ स्टडीज़ हुई है पॉपुलेशन बेस्ड, उसके बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं मोटा मोटी 100 में से एक बच्चे में सीलिएक डिजीज़ पाया जाता है। ये भी है कि रीजन टू रीजन इसका डिफरेंस होता है, पाया पूरे देश में जाता है, मगर ये देखा गया है कि नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है, क्योंकि गेहूं का सेवन इस रीजन में ज़्यादा होता है। सदर्न इंडिया में गेहूं बहुत ही कम खाया जाता है, इसलिए वहाँ के बच्चों में ये उतना कॉमन नहीं है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अभय जी, कि अगर भारत की बात की जाए या फिर कहीं की बात की जाए, जागरूकता कम है, जैसे आपने बताया लोग शुरुआत में सिम्टम्स पता नहीं कर पाते कि किस तरीके से ये बीमारी उत्पन्न हो रही है। मेदांता तो इन तमाम चीज़ों पे हमेशा कुछ ना कुछ अवेयरनेस करता रहता है, आज अवेयरनेस डे भी है उसका, जागरूकता दिवस भी है। कैसे आम लोगों तक इस बात को पहुँचाया जाए, ऐसा कौन सा कदम सराहनीय होगा जिसके जरिए आम लोगों तक ये बात पहुँचे? तो सबसे पहले तो हमें सीलिएक डिजीज़ का जहाँ तक सवाल है, हमें उसके लक्षण पता होने चाहिए। यदि हमें लक्षण पता है, यदि लंबे समय से किसी को पतला दस्त है, खून की कमी है, वज़न कम हो रहा है एडल्ट में, या बच्चा है तो वज़न बढ़ ही नहीं रहा है उम्र के साथ उसका,
तो इस सिचुएशन में हमें सीलियक डिजीज सस्पेक्ट करते हैं। यदि परिवार में कोई सदस्य के ये लक्षण हैं तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके आगे की कार्रवाई डॉक्टर बताएगा क्या टेस्ट ज़रूरी हैं जिससे हम पता कर पाएँ इनका कारण क्या है, जिसमें सीलियक डिजीज़ के भी टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, वो करके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अभय मौजूद थे जिन्होंने सीलियक डिजीज़ के बारे में बताया। आज उसका जागरूकता दिवस भी है। कहीं ना कहीं भारत में अन्य तमाम राज्यों में जागरूकता न होने पाने के कारण कहीं ना कहीं लोग इस बीमारी से विफल रह जाते हैं कि किस तरीके से बीमारी उत्पन्न होती है, क्या इलाज है, क्या उपचार है। उन तमाम मुद्दों पर आज मेदांता में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई और उसके बारे में जानकारियाँ दी गई। विरोधन अनुराग के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।